हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में प्राइस लिस्ट एक्टिवेशन की बात करेंगे कि इन्वेंट्री इन्फो में अगर हम जाते हैं तो वहाँ प्राइस लिस्ट दिखती है कभी नहीं दिखती है। आइए देखते हैं। ये हमारी ये कंपनी अंबुजेश्वर पाठक के नाम से हमने बनाई है। अब इसमें इन्वेंट्री इन्फो दिख रहा है। ये इन्वेंट्री इन्फो कैसे एक्टिवेट होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर टेली ERP9 सर्च करके वहां देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी प्राइस लिस्ट शो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। पहले यहां से देखिए, इसके बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद रहिए। यहां से आपको क्या करना है, प्रेस करना है F11 की। जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो कहां जाएंगे, कंपनी फीचर्स की विंडो पर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको आई प्रेस करना है इन्वेंट्री इन्फो पर जाने के लिए। जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कहां पर, इन्वेंट्री आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्वेंट्री फीचर्स की ये विंडो खुल चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, मल्टीपल प्राइस लेवल, ये जो दिख रहा है ना, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आपको कर देना है यस। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे यहां से 100 आइटम परचेस करके ले जा रहा है तो 100 आइटम पर हम 600 रुपए चार्ज करेंगे प्रति आइटम के हिसाब से, और अगर 100 आइटम से ज्यादा खरीद के ले जाता है, जैसे 200 300 400 खरीद के ले जाता है, तो उस पर हम 90 रुपए ही ऑफर करेंगे, क्योंकि 90 रुपए ही कॉस्ट लगाएंगे, उसकी कीमत हम 90 रुपए ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सामान खरीद रहा है तो इस वजह से 90 रुपए ही रखेंगे, तो इस वजह से हमें मल्टी लेवल प्राइस ये जो है ये रखनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे लिख देता हूं रेट, यहां पे लिख देता हूं रेट लिस्ट। ठीक है, यहां पे रेट लिस्ट ही लिख लेते हैं, तब तक एंटर प्रेस करते हैं और किया, एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्सेप्ट कराएंगे तो यहां पर अब हम आएंगे वापस से इन्वेंट्री इन्फो में, तो अब आपको यहां पे प्राइस लिस्ट दिखनी शो होनी शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों शो हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्टिवेट करते हैं फिर भी यहाँ फ्रीज मोड में रहता है। ये फ्रीज मोड में रहने का मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हम परचेज अकाउंट परचेज वाउचर में जाकर के स्टॉक आइटम नहीं बना के रखेंगे तो ये हमेशा फ्रिज मोड में रहेगा। ठीक है, एक्टिवेट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट हो चुका है। यहां से चाहे तो आप जाकर के प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, यहां पर जाएंगे और यहां से प्राइस लिस्ट आप बना पाएंगे। ठीक है, प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे काम करेगा ये, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।